माँ भगवती के पावन चरणों में ये छोटा सा मंडल राजेश नागान एंड पार्टी की तरफ से सर्वप्रथम छोटा सा बांध वादन देखा आपने और चंद सुमन माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि माँ के चरणों में एक आस्था है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है कि माँ की अगर कृपा रही तो शायद बात बन जाए, उसके चरणों में कुछ स्थान मिल जाए। इसी आस्था और विश्वास के साथ उसके चरणों में नतमस्तक होते हुए, जहाँ संसार का हर प्राणी नतमस्तक होता है, वहाँ मैं नारायण अज्ञान राजेश नारायण के चरणों में समर्पित हूँ। और लीजिएगा प्रथम श्रद्धा सुमन। इन ढोलक वालों को संतुष्ट कर दो थोड़ा सा। ओम विश्वाल देव शर तरिदुरता परासुम यद भद्रम तन आशुम। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेत पद्मा ब्रह्मा चत शंकर प्रवैति विधे भी सदा वंदिता श्यामा पात सरस्वती भगवती में हसे जाता। कहना है उस माँ से कि हे माँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, धन दौलत नहीं मांगता हूँ, तेरे चरणों में थोड़ा सा स्थान मांगता हूँ। कि अपना धर्म निभा सकूं, कि अपना धर्म निभा सकूं, बस इतना तो परिदान, कुछ बन पाऊं या गायब हो सकता है, पता नहीं क्या बात, क्या बात कि तार तो तारा हम भी तारे सब तारे तूने तारे और सूरज चांद कहे जाते माँ की चुनर के सितारे। तेरी ज्योति प्रचंड अखंड खंड तुष्टों के
करने वाली तेरी जोत प्रचंड अखंड खंड दुष्टों के करने वाली और तेरा दिव्य स्वरूप रूप मां तो मेरी बीरा बाल मां के दरबार में कि मां के दरबार में जब कारीगरी देखी और मां को देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। इसलिए ऐसी महिमा मई ममता मई मां के चरणों में अरदास है भक्त की कि हे मां तेरे दर पर बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ आया हूं। तू मेरी मां है, इस संसार की मां है, इस संसार के जितने भी जीव हैं तेरे बेटे हैं, तो बेटे का कुछ अधिकार भी बनता है, कुछ कर्तव्य भी बनते हैं और जो कर्तव्य है भी निभा रहा हूं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाकर अपने मन की वेदना बताकर अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। लेकिन मां मेरा अधिकार है वो तुझसे मांग रहा, ये बात यहां से शुरू होती है। कहना है मां से कहे मां, जहां अकेला होता है व्यक्ति परदेश में होता हुआ रूठता नहीं है, लेकिन कहां रूठता है जहां सामने मनाने वाले होते हैं। मां से कहना है कि हे मां हमें क्या पड़ी है मिलती है आप लोगों का आशीर्वाद है। अब लोग सोचते हैं कि मैं मां को नहीं मानता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मां को मैं मानता हूं। अब मां की विशेषता सुनिए और मां से अधिकार की बात इसलिए करता हूं कि मैंने महसूस किया है, मैंने अकेले में नहीं कि सारे संसार ने महसूस किया है मेरी बात को सुनिए। महसूस हो महसूस होता सदा साथ रहती महसूस होता सदा साथ रहती पर कांटा मुझे लगता दर्द सहता
सितंबर का, उस कार्यक्रम को करने के बाद चार या पांच दिन बाद मुझे दो दिन से थोड़ा सा बुखार आया और बुखार में ही मेरी प्लेटलेट 18,000 रह गए। आप अंदाजा लगा लो, ना हाथ पैर उठ रहे, ना आवाज निकल रही, पूरा घर सो रहा और मैं मर रहा। ये माँ की ही कृपा थी कि पता नहीं उसने मुझे कैसे उठाया और मैं गिरा और गिरते ही पूरा घर जग गया। ये माँ की कृपा है कि 18,000 प्लेटलेट्स के बाद भी आज भी आप पता कर सकते हैं आगरा के डॉक्टरों से, जिनसे ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने ये कहा कि आप 1 महीने तक कोई भी काम नहीं करेंगे, ना गाएंगे बजाएंगे ना कहीं जाएंगे। ये माँ की कृपा है कि मैं आपके सामने आज से नहीं 4-5 दिन से लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये माँ की कृपा। महसूस होता सदा साथ रहती माँ, कांटा मुझे लगता सर पे सहती संकट में हाथ सर पे, संकट में हाथ सर पे फिर आया न होता। कितनी भी बड़ी परेशानी हो और माँ का अगर हाथ सिर पर आ जाए तो सारे संकट दूर हो जाए। संकट में हाथ सर पे फिर आया न हो कोई चमत्कार हो जाता है, लेकिन माँ की नजर जब हो तेरी होती है तो फिर हाहाकार हो
हिंदू स्वामी देव सवितर वृत्तान पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम सर्व कार्य सुसर्वदा देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण दयारूपेण पान्तिरूपेण शान्तिरूपेण धृतिरूपेण मतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए क्योंकि समय बहुत अधिक ना हो सभी अपने अपने अंदर भगवान आदि गणेश जो विघ्न विनाशक हैं वंदन मूर्ति हैं उनका नमन करते हुए आइए सर्वप्रथम संक्षिप्त रूप से उस माँ सरस्वती की आराधना जो हमें ज्ञान बुद्धि और स्वर देती है। गुनगुनाती हुई आवाज कहां से लाऊं? हेलो ये 101 रुपए नन्हे मोने कार्यक्रमों द्वारा मनोज यादव जी द्वारा महामाई के दरबार में अर्पित किए गए हैं। महामाई सदैव भी आपके भंडार भरते रहे, आए विद्या यश और बल मिले ऐसी मां से कामना करते हुए कहना है कि गुनगुनाती हुई आवाज कहां से लाऊं? ये गुनगुनाती हुई आवाज कहां से लाऊं और संसराता हुआ स्वर साज कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? इसकी मां से कहना है मां भैया सारे बात भैया अब अपने हारमोनियम का जो माइक है इसकी आवाज को थोड़ा कम करके इधर उधर सप्लाई दे दीजिए। हारमोनियम का माइक थोड़ा सा कम कर दीजिए, मैं हल्का सा कम कर दीजिए हारमोनियम और हल्का कम कर दीजिए। मां शारदे स्वरे
संतों ने साथ दे है मां, बहुत से रूप और बहुत से नाम है तुम्हारे, लेकिन जिस रूप से हमें ज्ञान और बुद्धि देती हो वो रूप और स्वरूप में कैसा है। एक हाथों में मां वो सतसादे, ज्ञान और मानियों का मान हो, ज्ञानियों का ज्ञान और मानियों का मान हो, ज्ञानियों का ज्ञान और मानियों का मान, ज्ञानियों का ज्ञान और मानियों का मान हो, मान भक्तों की हो चीजें मिले, लेकिन हम क्या चाहते हैं मां, अपने अपने मन से उस मां से क्या मांगा जाता है। सदगोपी सब गो मिल जाए, सदगोपी सब गो मिल जाए, सदगोपी सब गो
उसके बाद प्रथम चक्र में जवाबी जिनके लिए खेल हो गया है, जिन्होंने सुंदर कविता को अपना खिलौना बना लिया है, ऐसे भाई राजेश जी की ओर से जवाबी शुरू होने वाला है। आइए एक छोटी सी भेंट सुनने की बात।